मंडला जनपद के ग्राम हृदय नगर में एक सदी से ज्यादा प्राचीन मचलेश्वर मेला भरा हुआ है। इस मेले की खासियत है कि यहाँ पशुओं का मेला लगता है, जहाँ कई प्रदेशों से आए व्यापारी उन्नत किस्म के पशुओं को लाते और बोली लगाते, जिसके बाद बड़े स्तर पर इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। इस मेले में कई व्यापारी लाखों रुपए तक की गाय और भैंस, जो की अधिक दूध देने वाले, उनको लेकर पहुंचे। ये मेला महाशिवरात्रि से लेकर होलिका दहन तक चलता है, जिसकी प्रसिद्धि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा कई प्रदेशों तक है। यह ऐतिहासिक मेला पूरे शबाब पर है। इसकी खासियत यह है कि जैसे जैसे शाम ढलती है, वैसे वैसे मेले में भीड़ उमड़ती है और देर रात तक मेले में लोग खरीदार करते रहते हैं। यहां घरेलू उपयोग की पारंपरिक सामग्री और पशु की श्रृंगार सामग्री आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हम 70 बैल लेके आए थे और कल पानी आनी जरा है तो एक बैल खत्म हो गया इस पार्ट में। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अब क्या है, इधर पानी गिर रहा तो कोई व्यवस्था नहीं है, इधर तो खत्म हो गया ठंडी के कारण। अब जैसे सीटी धो गई हो, चाहे कोई जानवर भी काट खाया हो, तो इसका कोई पता नहीं। आया था मैं पढ़ा लेकर पक्षा दोनों से आया था, 29,000 में बेचा हूँ और खरीदा भी हूँ, 16,000 में खरीदा भी हूँ और 16,000 की रसीद भी मैंने 900 रुपये में कटवाया भी खरीदे के अनुसार, और जो सौदा होता है 1 रुपया मैंने 1,000 में बयाना दे के रूप में, 1 रुपया या 10 रुपया बयाना के रूप में होता है, ये चलता है मेला में और ख़रीदारी अच्छी होती है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार क्या जानवर कम आए हुए हैं, क्या कारण है उसका? कम इसलिए आए हैं कि बरसात कल जो मेला प्रारंभ होने से पहले कल बरसात हो गई, इसलिए मवेशी जो है आने में असफल हो गई। और से पुराना तो है और विगत 10-12 सालों से जब से मंडला जनपद में पदस्थ हूँ तब से मैं यहाँ पे लगातार अपनी सेवाएं यहाँ दे रहा हूँ। और इस मेले की विशेषता ये है कि ये इस प्रांत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहाँ पर मंडला के अतिरिक्त लगभग आसपास के सारे जिलों से और कुछ मामलों में प्रांत के बाहर से भी यहाँ पशु लाए जाते हैं विक्रय क्रय विक्रय करने के लिए, और उनको उचित दाम में और अच्छे पशु मिल जाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट, जो उनकी मांग है, जो उनकी खेतों में चल सकते हैं उस हिसाब से उनको पशु यहाँ मिल जाते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर बैल और मेल भैंस और दुधारू पशु रूप में गाय और भैंस यहाँ पर मुख्य रूप से विक्रय क्रय विक्रय की जाती है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।